क्या हाल है आप सबका। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेड पॉकेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल और इसमें मैं हाफ कप मायोनीज ले लेती हूँ। एक बाउल में हम हाफ कप मायोनीज डाल देते हैं। अब हमें चाहिए है क्रीम, तकरीबन 3 टेबलस्पून हम इसमें क्रीम शामिल कर देते हैं। कोई भी क्रीम आप लोग ले सकते हैं। क्रीम भी हम लोगों ने डाल दी है। थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए चिली सॉस डाल देते हैं। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप लोग चाहें तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। हसबे ज़ायका नमक और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच चिकन पाउडर डाल देते हैं। अब इन सबको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे स्पाइसेस और मेयोनीज क्रीम आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखिए बहुत ही क्रीमी सा मिक्सचर बन गया है। 1 कप बॉईल और श्रेड किया हुआ चिकन भी शामिल कर देते हैं। 1 कप गाजर और 1 कप स्लाइस की हुई शिमला मिर्च भी डाल देते हैं ताकि बहुत ही मज़ेदार से कलर्स भी आ जाए ब्रेड पॉकेट्स की फिलिंग के। अब इन सारी वेजिटेबल्स और श्रेडेड चिकन को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, बहुत अच्छा सा मिक्स हो रहे हैं। तो ब्रेड पॉकेट्स की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें बिल्कुल इसी तरह बहुत क्रीमी सी मज़ेदार सी। अब लेते हैं 2 स्लाइसेस ब्रेड के। ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए हमें चाहिए कोई भी गोल सी कटोरी, या आप लोगों के पास कोई भी गोल सी शेप हो तो आप लोग उससे बिल्कुल ऐसे गोल शेप काट लेनी है ब्रेड स्लाइसेस की। ये देखें जी, हम लोगों ने 2 स्लाइस लिए थे और उसको गोल शेप में हम लोगों ने काट लिया है। अब बेलने की मदद से इसको बेल लेते हैं, बिल्कुल पतला सा। ये देखें जी, बिल्कुल ऐसे हम लोग इसको पतला सा बेल लेते हैं ताकि बहुत ही मज़ेदार सी पॉकेट्स बने। जितना पतला हम इसको बेलेंगे उतनी मज़ेदार सी हमारी पॉकेट्स जो हैं वो फूल के आएंगी मज़ेदार सी। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं, इफ्तारी में ये बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत शौक से खाई भी जाती हैं। थोड़ा सा पानी लेके इसके कॉर्नर्स पे लगा देते हैं, बिल्कुल इस सर्कल के कॉर्नर्स पे लगा देते हैं पानी और दूसरी साइड को इसके ऊपर रख देते हैं और इसको अच्छे सा दबा लेते हैं ताकि अच्छा सा इसके साथ चिपक जाए। ये देखें बिल्कुल ऐसे इसके कॉर्नर्स को आप लोगों ने अच्छे से प्रेस करना है ताकि दोनों स्लाइसेस जो हम लोग ब्रेड किए हैं ये चिपक जाए। ये देखें बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छी सी हो गई हैं। अब आप लोगों ने जितनी बनानी है हम उतनी बना लेते हैं। देखें इसी तरह मैंने 4 ब्रेड की पॉकेट्स तैयार कर ली हैं, बिल्कुल पतला से इनको बेल लिया था। अब जो हम लोगों ने ब्रेड काट ली थी इसके कॉर्नर्स बच गए हैं, इसको हम लोग ज़ाया नहीं करेंगे। हमें इसकी कोटिंग के लिए चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, तो इसको जूसर में डाल के हम लोग इसके क्रम्स बना लेते हैं। देखें बहुत ही मज़ेदार से क्रम्स बन गए हैं। मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसको फेंट लिया है। अब हम लोगों ने जो ब्रेड की पॉकेट्स बनाई हैं इसको बहुत अच्छे से इस अंडे में डिप कर लेते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से इसको अंडे में डिप करना है, उसके बाद इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देते हैं। ये जो हम लोगों ने ब्रेड के कॉर्नर्स काट लिए थे हम लोगों ने उसी के क्रम्स बनाए हैं और उसकी कोटिंग कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने ज़ाया नहीं करना। ये देखें बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है सारे ब्रेड क्रम्स की। ये देखें ब्रेड पॉकेट तैयार हो गई है। अब हम लोग इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको हम लोग डीप फ्राई करेंगे, इसलिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें ऑयल डाल के इसको बहुत अच्छा सा गर्म कर लिया है और बिल्कुल हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पे करेंगे। तो हम लोगों ने 1 ब्रेड पॉकेट इसमें डाल दी है और ये फ्राई होना भी स्टार्ट हो गई है। ये देखें जी कितने मज़े की ये फ्राई हो रही है और ये कितने मज़ेदार सी पॉकेट की तरह फूल भी गई है, बहुत ही क्रिस्पी सी और बहुत ही मज़ेदार सी। लाइट गोल्डन करना है हम लोगों ने इसको। ये देखें जी कितने मज़े का इसका लाइट गोल्डन सा कलर भी आ गया है और कितनी क्रिस्पी सी ये लग रही है। बस अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं।
ब्रेड पॉकेट अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ये देखें कितने मज़ेदार सी पॉकेट्स तैयार हो गई हैं, कितने मज़े की फूली हुई हैं। अब हम लोग एक पॉकेट लेते हैं और छुरी की मदद से बीच में से इसको थोड़ा सा कट लगा देते हैं। ये देखें बिल्कुल ऐसे हम लोगों ने कट लगा लिया है और इसने अपना मुंह खोल लिया है कि मुझ में खाना डाल दो। तो अब जो हम लोगों ने इसके लिए फिलिंग तैयार की थी वो सारी फिलिंग हम लोग इसमें डाल देते हैं। इस पॉकेट को अच्छा सा फिलिंग से भर देते हैं ताकि बहुत ही क्रीमी सी पॉकेट तैयार हो जाए, क्रिस्पी सी। ये देखें जी कितने मज़े की पॉकेट तैयार हो गई है। सेम इसी तरह दूसरी पॉकेट को भी कट लगाया है और इसके अंदर भी सारी मज़ेदार सी क्रीमी सी फिलिंग कर लेते हैं हम लोग। अफ्तारी की स्पेशल रेसिपी आज हम लोग बना रहे हैं, ब्रेड पॉकेट्स। बहुत ही मज़ेदार सी होती हैं और इसी तरह हम लोगों ने सारी ब्रेड पॉकेट्स तैयार कर ली हैं। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार होती हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।